यदि 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि स्वयं से 3 गुनी होती है तो वार्षिक दर क्या है? तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, आपका समय दिया हुआ है 8 वर्ष, समय दिया हुआ है 8 वर्ष, और आपका कह रहा है कि 3 गुना हो जाता है, अर्थात हम लोग अगर मूलधन रखते हैं 1 तो मिश्रधन हो जाता है 3, अर्थात ब्याज बोल सकते हैं 2। तो दर का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। अब हल कर लीजिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा 2 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, अतः हम लोग का आंसर हो गया 25%। ये सबसे लंबा तरीका हो गया। अगर आप लोग शॉर्ट में जानना चाहते हैं बिना कलम लगाए हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। 3 गुना हो जाना, 3 गुना हो जाना मतलब रखें जितना भी रखते हैं उसका 3 गुना हो गया, अर्थात ब्याज 2 मिल गया, 2 को हम लोग परसेंट में बोल सकते हैं, तो 200%, तो 8 वर्ष में 200%, अतः 1 वर्ष में 25%, तो ब्याज की दर हो गई 25%। फिर से मैंने कहा कि कोई भी धनराशि 3 गुना हो गया मतलब अगर रखते हैं 1 रुपया तो हो जाता है 3 रुपया, अर्थात ब्याज 2, और 2 गुना को ही हम लोग तो बोल सकते हैं 200%, तो 8 वर्षों में अगर 200% ब्याज, तो 1 वर्ष में जो ब्याज की दर प्रतिशत ब्याज मिलता है उसी को हम ब्याज की दर कहते हैं, तो 8 वर्ष में 200%, 1 वर्ष में 25%। कहीं कलम की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही।